18वीं लोकसभा का पहला सत्र भारी विवादों में फंस गया है। दरअसल संसद सत्र में नए सांसदों की शपथ के साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। पहले विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के भाषण से हंगामा मचा और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से नया विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद में सवालों और आरोपों के घेरे में फंस रहे हैं सत्ता पक्ष के सांसद, संसद टीवी और टीवी की एक महिला एंकर। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संसद टीवी से दिखाई जाती है। संसद के अंदर किसी को भी वीडियोग्राफी करने की या फिर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं होती। ऐसा करना संसद के नियमों के खिलाफ माना जाता है। सिर्फ संसद टीवी के पास ही प्रसारण के राइट्स होते हैं। ऐसा सिस्टम बना है कि संसद के अंदर अगर कोई भी सांसद या फिर विपक्ष हंगामा या फिर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे संसद टीवी पर दिखाया नहीं जाता। सदन में शांति होने तक कैमरा स्पीकर या फिर किसी न्यूट्रल फ्रेम पर फिक्स हो जाता है। 18वीं लोकसभा में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन को भयंकर विवाद चल रहा है। दरअसल पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के शेरगुल को संसद टीवी ने तो नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल से हंगामे के कई सारे वीडियोज जो है वो शेयर हुए। ऐसे ही अनसेंसर्ड वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंगामा कर रहे सांसदों को पानी पिलाते भी दिखे और राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को हल्ला बोल के लिए इशारे करते भी। ये अनसेंसर्ड वीडियो सोशल मीडिया पर कहां से आए हैं, किसने बिना परमिशन रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर शेयर करा, इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से गंभीर शिकायत हुई है। शिकायत करने वाली है कांग्रेस की फर्स्ट टाइम महिला सांसद सुधा रामचंद्र, यानी कि आर सुधा। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आर सुधा ने 5 जुलाई को स्पीकर को शिकायती चिट्ठी लिखी थी। सुधा ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट 1 जुलाई की कार्रवाई के वीडियो का रेफरेंस दिया है, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद आर सुधा ने सवाल उठाया है कि क्या सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिना परमिशन वीडियोग्राफी की या फिर संसद टीवी से बिना इजाजत वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं। आर सुधा ने शिकायत में एंकर नविका कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट का खासकर जिक्र किया है। सुधा ने आरोप लगाया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर संसद टीवी वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना संसद की अवमानना है। स्पीकर को याद दिलाया है कि वीडियोग्राफी करने पर कब कब कार्रवाई की गई। अभी ये साफ नहीं है कि स्पीकर ने सुधा की मांगों पर और शिकायतों पर क्या एक्शन लिया है। सुधा ने संसद की प्रिविलेज कमेटी या किसी और कमेटी से जांच कराने की मांग की है। तमिलनाडु की मयिलादुथुरई लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बनी है आर सुधा। उन्होंने पहला चुनाव AIADMK उम्मीदवार को करीब 3.5 लाख वोटों से हरा कर जीता है। कांग्रेस DMK में सीट बंटवारे के तहत सुधा गठबंधन की साझा उम्मीदवार थी। इसी सीट से कवि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय से आर सुधा चर्चा में आई थी। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा की भारत यात्री थी सुधा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने राहुल गांधी के साथ पूरे समय तक पद यात्रा की थी। सुधा को कांग्रेस टिकट किसी चमत्कार की तरह ही मिला था। उनका तो नाम भी टिकट के दावेदारों में नहीं था। मणिशंकर अय्यर प्रोफेशनल कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती कृष्णागिरी के सांसद ए चल्ला कुमार की दावेदारी को साइड में रखकर सुधा को टिकट दिया गया था। कांग्रेस से राजनीति पारी शुरू करने वाली आर सुधा प्रोफेशन से एडवोकेट है। 2020 में तमिलनाडु में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी। सुधा उन सांसदों में शामिल है जिन्होंने राहुल गांधी की देखा देखी संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर लोकसभा में सांसद की शपथ ली थी। மயிலாடுதுறை தொகுதியிலிருந்து மக்கள் சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள சுதா ராமகிருஷ்ணன் எனும் நான் சட்டப்பூர்வமாய் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமான் மீது உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். बहरहाल हमारी इस आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप न्यूज़ तक को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।